हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 35,000 रुपीस की बजट रेंज में पांच ऐसे गेमिंग लैपटॉप्स बताने वाला हूँ जो कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो तो आपको बहुत ही कमाल की देने वाले हैं। अब जो 35,000 रुपीस की बजट रेंज है ना, वो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए तो नहीं बनी है, बट फिर भी मैंने आप लोगों के लिए चुन चुन कर पांच ऐसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप्स ढूंढ निकाले हैं जो कि आपको डिसेंट गेमिंग कराने में कैपेबल है। बेंचमार्क्स की बात करो ना, तो लिस्ट के कुछ लैपटॉप्स में आप GTA 5 लो सेटिंग्स पर इजीली खेल सकते हो, और बाकी लैपटॉप्स की बात करो ना तो जैसे लो डिमांड वाले गेम्स है ना, फॉर एग्जांपल वेलोरेंट, CS:GO, ये सारे गेम्स आप लगभग इन सारे लैपटॉप्स पर लो सेटिंग्स पर आराम से खेल सकते हो, जो कि यार 35,000 रुपीस की रेंज में काफी एक्सेप्टेबल है। इन सारे लैपटॉप्स में आपको प्रोसेसर भले ही डिसेंट मिले, बट अच्छे खासे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको इन सारे लैपटॉप्स में मिलेंगे। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो में इंक्लूडेड सारे लैपटॉप्स की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके इनमें से कोई सा भी लैपटॉप आप है ना सबसे कम दामों में अपना बना सकते हो। सो अब चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लिस्ट में नंबर 1 पे आता है Asus की तरफ से आने वाला Asus VivoBook 15, जो कि 15.6 इंचेस के फुल HD डिस्प्ले के साथ में आता है। अब इस लैपटॉप में आपको ना बहुत ही कमाल की प्रीमियम फील मिलती है, साथ ही लिस्ट का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है ये। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको Ryzen 5 3500U प्रोसेसर मिलता है जो कि 3.7 GHz पर क्लॉक्ड है। अब ये जो लैपटॉप है ना, वो 35,000 रुपीस की रेंज में इकलौता एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है। इस लैपटॉप में आपको ना 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स मिलेंगे, यानी मल्टीटास्किंग तो इस लैपटॉप में काफी कमाल की होगी। 4 GB की DDR4 RAM भी आपको इस लैपटॉप में मिलती है जो कि 2400 MHz पर क्लॉक्ड है। अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन भी आपको इस लैपटॉप में मिलते हैं, 12 GB तक आप इस लैपटॉप की रैम को एक्सपेंड कर सकते हो। 256 GB की SSD भी आपको इस लैपटॉप में मिलेगी जो कि आपकी ओवरऑल विंडोज के एक्सपीरियंस को ना काफी स्मूथ और फास्ट बना देगी। सबसे खास बात है इस लैपटॉप के ग्राफिक्स, AMD Radeon इंटीग्रेटेड Vega 8 ग्राफिक्स आपको इस लैपटॉप में मिलते हैं। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू कैन चेक ऑन YouTube। आप YouTube पर Radeon Vega 8 ग्राफिक्स के ना गेमिंग बेंचमार्क्स देख सकते हो। इस बजट रेंज में आपको Vega 8 ग्राफिक्स से बेहतर ग्राफिक्स नहीं मिल सकते। Vega 8 ग्राफिक्स की मदद से आप GTA 5 है ना उसको लो टू मिड सेटिंग्स पर इजीली खेल सकते हो। एक LED बैकलाइट भी आपको इस लैपटॉप में मिलती है जो कि इस लैपटॉप की ओवरऑल जो फील है ना उसको काफी प्रीमियम बनाती है। बैटरी भी इस लैपटॉप की काफी डिसेंट है, 10-12 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप से मिल जाता है। साथ ही अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो वो भी इस लैपटॉप में काफी सही है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको ना एक काफी एक्सेप्टेबल वेट मिलता है, 1.9 kg का वेट आपको इस लैपटॉप में मिलेगा। सो आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं अगर आपको 35,000 रुपीस की बजट रेंज में एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस वन डेफिनेटली। प्राइस की बात करूं तो 36,000 रुपीस का ये लैपटॉप आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। Acer की तरफ से आने वाला Acer Aspire 3 लैपटॉप। अब इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस का HD रेडी डिस्प्ले मिलता है। Acer का यह लैपटॉप काफी थिन डिजाइन के साथ में आता है, साथ ही वेट भी इस लैपटॉप का काफी एक्सेप्टेबल है, 1.8 ग्राम का वेट आपको इस लैपटॉप में मिलता है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस लैपटॉप में आपको AMD Athlon 3050U प्रोसेसर मिलता है। अब एंड ट्रस्ट मी, AMD Athlon जो APU है ना वो 512 MB VRAM के साथ में आता है, और इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि ये लैपटॉप आपको GTA 5 लोएस्ट सेटिंग्स पर खिलाने में कैपेबल है। साथ ही AMD Athlon के इस प्रोसेसर में आपको 2.3 GHz की बेस स्पीड मिलेगी, बट आप इस प्रोसेसर को 3.2 GHz तक ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। मेमोरी की बात करूं तो 8 GB की DDR4 RAM आपको इस लैपटॉप में मिलती है, साथ ही 1 TB की हार्ड ड्राइव भी आपको इस लैपटॉप में मिलेगी। बैटरी की बात करूं ना तो बैटरी भी इस लैपटॉप की काफी कमाल की है, 11 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप से मिल जाता है। सो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आपको 30,000 रुपीस की बिल्कुल टाइट बजट रेंज में एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए ना, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। इस लैपटॉप में आपको 8 GB की रैम के साथ साथ AMD Athlon का APU मिलता है, जो कि आपको GTA 5 जैसा गेम लो सेटिंग्स पर खिलाने में कैपेबल है। प्राइस की बात करूं तो ये लैपटॉप आपको 31,000 रुपीस का Amazon पर मिल जाएगा। लिस्ट में नंबर 2 पे आता है Lenovo की तरफ से आने वाला Lenovo IdeaPad S145 लैपटॉप, जो कि 15.6 इंचेस की फुल HD स्क्रीन के साथ में आता है। रिमेम्बर, Acer के लैपटॉप में आपको HD रेडी स्क्रीन मिलती है, बट Lenovo IdeaPad में आपको 30,000 रुपीस की रेंज में ना फुल HD स्क्रीन मिलती है। साथ ही ये लैपटॉप है ना काफी थिन डिजाइन के साथ में आता है, वेट भी इस लैपटॉप का काफी एक्सेप्टेबल है, 1.5 kg का वेट आपको इस लैपटॉप में मिलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस, इस लैपटॉप में आपको AMD Ryzen 3 3200U प्रोसेसर मिलेगा जो कि 2.6 GHz पर
लॉक्ड है। मेमोरी की बात करें तो 8GB की DDR4 रैम आपको इस लैपटॉप में मिलेगी और ये रैम है ना डुअल चैनल रैम है, यानी आपको 4+4GB की दो स्टिक्स इस लैपटॉप में मिलती है। अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो वो भी इस लैपटॉप की काफी डिसेंट है, 12GB तक आप इस लैपटॉप में रैम अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही आपको इस लैपटॉप में ना 256GB की SSD भी मिलती है, जो कि आपकी ओवरऑल विंडो के एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ और फास्ट बना सकती है। ग्राफिक्स की बात करूं तो AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको इस लैपटॉप में मिलते हैं, जो कि आपको लो डिमांड वाले गेम्स खिलाने में कैपेबल है। फॉर एग्जांपल Valorant, CS:GO ये सारे गेम्स आप इस लैपटॉप पर लो सेटिंग्स पर आराम से खेल सकते हो। कमिंग एट नंबर 3 वी हैव एविटा प्यूरा की तरफ से आने वाला NS114 लैपटॉप। ये लैपटॉप 14 इंच के फुल HD स्क्रीन के साथ में आता है। साथ ही इस लैपटॉप का जो प्राइस पॉइंट है ना वो लिटरली अनबिलीवेबल है। केवल 22,000 रुपीस का आपको ये लैपटॉप मिलेगा और स्पेसिफिकेशंस भी इस लैपटॉप की काफी डिसेंट है। AMD Ryzen 3 3200 प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप में मिलता है, जो कि 2.6GHz पर क्लॉक्ड है। डिस्प्ले में आपको बता ही चुका हूँ कि इस लैपटॉप में आपको 14 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिलता है और मेमोरी की बात करें तो 8GB की DDR4 रैम आपको इस लैपटॉप में मिलेगी। साथ ही Radeon Vega 3 ग्राफिक्स आपको इस लैपटॉप में मिलते हैं और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इतने कम प्राइस पॉइंट के बाद भी आपको इस लैपटॉप में 256GB की SSD देखने को मिलती है और इस लैपटॉप में मेरे हिसाब से तो कहीं भी कटौती नहीं करी गई। ये लैपटॉप लाइट वेट भी है, साथ ही थिन डिजाइन के साथ में आता है। बैटरी लाइफ भी इस लैपटॉप की काफी डिसेंट है, 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप से मिल जाता है। सो मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है ना, यानी आप केवल 25,000 रुपीज तक एक लैपटॉप में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको इस लैपटॉप से गेमिंग भी करनी है, तो डेफिनेटली आपको इस लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। अब प्राइस की बात करूँ ना तो 22,000 रुपीज का ये लैपटॉप आपको इजीली अमेज़न पर मिल जाएगा। एंड हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे आता है लेनोवो की तरफ से आने वाला लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 3i लैपटॉप। और इस लैपटॉप का वेट भी काफी एक्सेप्टेबल है, 1.8 केजी का वेट आपको इस लैपटॉप में मिलता है। डिस्प्ले भी आपको इस लैपटॉप में 15.6 इंचेस का मिलता है, जो कि एक फुल HD डिस्प्ले है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो i3 10th जनरेशन प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप में मिलेगा और साथ ही 4GB की रैम एंड 1TB की हार्ड ड्राइव इस लैपटॉप के अंदर मौजूद है। इस लैपटॉप को मैंने लिस्ट में इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि इस लैपटॉप में आपको ना रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी आप केवल एक घंटे में 0-80% अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात है इस प्राइस रेंज में। सो ये लैपटॉप भी आप ले सकते हैं अगर आपको लेनोवो ब्रांड की तरफ जाना है। तो प्राइस की बात करूं तो 31,000 रुपीज का ये लैपटॉप आपको अमेज़न पर इजीली मिल जाएगा। ये थे कुछ बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप जो कि आपको 35,000 रुपीज की रेंज में मिलते हैं। बट अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मेरी तरफ से आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, सो मेरी तरफ से आपको डेफिनेटली Asus VivoBook 15 की तरफ जाना चाहिए। इस लैपटॉप में आपको प्रीमियम फील के साथ साथ एक डिसेंट गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी लैपटॉप ले सकते हैं, सारे लैपटॉप से मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। साथ ही सारे लैपटॉप आपको वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। बट आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।